वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र क्या हुआ था? जैसे हम रास्ते से जा रहे थे तो वहाँ जितेंद्र गुड्डू आने के बाद, जैसे एफजेड गाड़ी है उस पर एक पे हेलमेट लगा हुआ है और एक वो साधारण है, उसने यहाँ गर्दन पर रखी मारी। जितेंद्र ने मारी थी गोली? जिसके मारी थी, क्यों मारी थी? तोताराम पिताजी हैं इसके। ऐसा था मुकदमा चल रहा है इसलिए हम अदालत में आए थे। काहे का मुकदमा चल रहा है? 302 है, 120 भी है इनके पास लगी हुई। किसका मर्डर हुआ था पहले? हीरा सिंह। वो कौन थे आपके? वो तो गांव के ही थे। इसके पिताजी है मरने वाले? जी जितेंद्र रहने वाले गांव के। आपके पिताजी गवाह थे इस मामले में? ना गवाह नहीं थे, इन पे लगा दिया था षड्यंत्र रचना का केस लगा दिया था। जितेंद्र रहने वाले कहाँ के? जितेंद्र रहते तो नगरिया ही में रहने वाले, जहाँ रहते एटा चुंगी से खुली तब राम श्री राम मार्केट। आप कहाँ रहते हैं? नगरिया पट्टी चारम। कौन सा थाना लगता है? थाना करावत नगरिया पट्टी चारम पोस्ट सागर जिला अलीगढ़। आज तारीख थी उस मामले में? ना तारीख नहीं थी, कागज इन्होंने मंगाए, कागज मंगाए थे गवाही के लिए। सिंगल वकील साहब, जिस किस तरीके की घटना हुई थी? ये घटना ऐसा है, एक इनका 302 का मुकदमा चल रहा है इलेक्शन टाइम पे, तो इनके पिताजी तोताराम से जो मृतक हैं वो 120 के मुलजिम बनाए थे, अदरवाइज मारने में उनका रोल नहीं था। ये तो निर्दोष आदमी थे, आज हमारे पास आए थे कचहरी में डिस्कशन के लिए। कोई गवाही होनी थी, 8 तारीख को भी गवाही हुई थी और 24 तारीख लगी हुई है, गवाही होनी थी उसके लिए आए थे। मैं कागज वगैरह कुछ मंगाए थे। फर्जी फसाया गया था? हाँ फर्जी है, 320 भी का आएगा इनके साथ। इनकी दुकान पर सड़न रहा चाहता, इनकी दुकान करते हैं बेचारे मजदूर आदमी। जमीन है नहीं हमारे पास, कुछ नहीं है, उनका लड़का है बिल्कुल जमीन बाद में आई थी। तुम्हारे पिताजी गोली लगी है छोटी सी, उसे क्या करते हैं? परचूनी की दुकान, परचूनी की दुकान है उनकी, जमीन फमीन कुछ है नहीं। ये जीते थे वो तो ज्ञान देवी जी थे, मीरा सिंह का मैटर हुआ। गुड्डू प्रधान जो है, जो प्रधानी 10 साल से चल रही थी, वो ही पैरवी कर रहे हैं इसमें केस में। तो अभी हमें मिला था वहाँ, हाँ 2-3 चक्कर रह गए वहाँ से फिर आया है। तो मैं तो इतना ही हुआ है, वो वहाँ गया अदालत के कचहरी।